वेलकम दोस्तों, आज हम सीखेंगे सी लैंग्वेज में 1D एरे का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रखी है और फाइल पे जाके न्यू प्रोग्राम हमने ओपन कर लिया है और वॉइड मेन से हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वॉइड मेन मैंने टाइप कर दिया, कर्ली ब्रेस लगा दिए, अब यहाँ पे मैं ऊपर कमेंट डाल रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ 1D एरे। ये सिर्फ कमेंट है, इससे जब भी आप प्रोग्राम को ओपन करें तो आपको पता लग जाए किस चीज़ का प्रोग्राम है ये। यहाँ मैंने एरे को डिक्लेयर किया है और यहाँ पर मैं अब एरे की 0 पोजीशन पर नंबर स्टोर कर रहा हूँ। तो 0 पोजीशन पर 10 स्टोर किए, 1 पोजीशन पे अगला नंबर 20 में स्टोर करूँगा। आप थर्ड पोजीशन उस पर 30 स्टोर करते हैं। एरे का साइज मैंने 3 लिया है तो इसमें हम 3 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। अब इसे प्रिंट करने के लिए हम printf का यूज़ करेंगे। हमारा डेटा स्टोर हो चुका है एरे के अंदर और printf से हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करने का ये तरीका है, तो इससे 0 पोजीशन का डेटा जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने सेकंड लाइन दोबारा से फिर से printf लिखा, मैंने अब की बार दे दिया मैंने 1 पोजीशन का डेटा, तो 1 पोजीशन पे जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा और थर्ड पोजीशन का डेटा मैंने प्रिंट किया। अब गेट से ऐसे प्रोग्राम को हम रोकते हैं तो ये आउटपुट को रोक के रखेगा। सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो सेव करने के लिए मैं इसमें अपना नाम लिख देता हूँ, mohit.c जरूर लगाएं। सेव कर दिया मैंने इसको। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में, कोई एरर नहीं, 0 एरर। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो देखिए रन करने पर ये आउटपुट आया 10, 20, 30। मैंने एक प्रोग्राम बनाया 1D एरे का, उसमें मैंने मेमोरी में नंबर स्टोर किए थे और वो नंबर यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ 1D एरे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मैं जिस चीज़ का प्रोग्राम बना रहा हूँ उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया कि किस चीज़ का प्रोग्राम है, जिससे जब कभी भी फ्यूचर में आप इस प्रोग्राम को ओपन करें तो आप उसको देख के बता पाएँ या देख के आपको पता लग जाएगा भाई आप किस चीज़ का प्रोग्राम है, कि भाई 1D एरे का एग्जाम्पल है, 1D एरे का हमने प्रोग्राम बना रखा है इस फाइल के अंदर। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है void main। तो void main एक कमांड है जिससे सी लैंग्वेज को पता लगता है कि आपका प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बना हुआ है और यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा int एक डेटा टाइप होता है और यहाँ पे मैंने एरे का नाम और उसका साइज दे दिया। तो एरे का नाम मैंने AR लिखा है और उसका साइज दिया मैंने 3। इसका मतलब ये कि मेमोरी में 3 जगह बन जाएगी, 3 ऐसी जगह बन जाएगी जिसमें मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? ऐसी वैल्यू जिसमें आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, बिना दशमलव वाली संख्या स्टोर कर सकते हैं। तो एरे बन गया। इसके बाद लिखा मैंने एरे 0 पोजीशन इक्वल टू 10। इससे एरे की 0 पोजीशन में 10 स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद अगले लिखा मैंने एरे 1 इक्वल टू 20, एरे में 20 स्टोर हो जाएंगे। एरे 2 पोजीशन इक्वल टू 30, एरे की 3 पोजीशन में 30 स्टोर हो जाएंगे।
अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो इससे पहले के पिछले वीडियो देखिए, जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी थ्योरेटिकल कंटेंट है वो आपको बताए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियो भी देखिए, पिछले वीडियो, जिसमें आपको एरे का टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने एरे में डेटा स्टोर कर लिया, और यहाँ पे हमने एरे के अंदर जो भी मैंने डेटा स्टोर किया है उसको दोबारा से स्क्रीन पर प्रिंट कराया है। तो ये तो मेमोरी में स्टोर था और ये हम स्क्रीन पर प्रिंट करा रहे हैं। तो स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए प्रिंट टैफ का यूज़ करते हैं। प्रिंट टैफ परसेंट डी और एरे का नाम और जिस पोजीशन का डेटा प्रिंट करना है वो पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 बार प्रिंट टैफ लिखा है, तो 3 बार वैल्यू प्रिंट होगी और परसेंट डी के कारण इंटीजर फॉर्मेट यानी नंबर में प्रिंट होगा डेटा। और कहाँ से प्रिंट करेगा, यहाँ पे 0, 1, 2 दे रखें, ये इनकी पोजीशन है, इन पोजीशन का डेटा प्रिंट होगा। अब आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक और कमांड यूज करी मैंने, जो कि एक फंक्शन है clrsr, सेव किया, रन किया। ठीक है, इसको सेव करके रन कर लेते हैं दोबारा से। तो ये देखिए, पिछला जो आउटपुट आ रहा था, पहले स्क्रीन पे जो पहले का आउटपुट आ रहा था वो क्लियर हो गया है, सिर्फ इसी प्रोग्राम का आउटपुट आया, लेकिन उनमें स्पेस नहीं था कहीं भी। तो अगर मुझे स्पेस देखना है तो देखिए, मैंने थोड़ा स्पेस दे के रन किया, अब देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया। इसको एक बार दोबारा देखिए, अब और स्पेस देना है तो आप एक्सलस टी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए टी का यूज़ किया, अब सेव करके रन करते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा स्पेस आएगा। ये देखिए अब और भी ज़्यादा स्पेस आ गया। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, आपको जो भी रिजल्ट आया नीचे की तरफ लाना है, तो एन लगा देंगे, न्यू लाइन, इससे जो भी आपका आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, न्यू लाइन में। ये देखिए 20 से पहले थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेस था, इसे मैंने कम कर दिया। फिर से हम इसको सेव करके रन कर देते हैं। ये देखिए सारे नंबर बिल्कुल सिक्वेंस में और क्रम से नजर आए। आगे देखते हैं। आगे हम इसमें अब और अधिक संख्या स्टोर करना चाह रहे हैं, तो मैंने एरे का साइज 5 कर दिया यहाँ पर। आज और भी संख्या स्टोर करनी है आपको तो क्या करेंगे, साइज बढ़ा दिया, उसके बाद एरे की पोजीशन दे दी, भाई कहाँ पर डेटा स्टोर करना है, थर्ड पोजीशन पे 40, फोर्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू आप देना चाहें, मैं 50 दे देता हूँ यहाँ पर, तो ये 50 यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। तो स्टोर हो गया, तो प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए अब हम प्रिंट एफ कमांड का यूज़ कर रहे हैं, वो ही परसेंट डी, और नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो बैकस्लैश एन, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे थर्ड पोजीशन दे दी यहाँ पर। इसी तरह फोर्थ पोजीशन का डेटा हम प्रिंट कर देंगे। ये फोर्थ पोजीशन दे दी, तो इससे फोर्थ पोजीशन का डेटा भी स्टोर हो जाएगा। सेव किया, रन किया और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए इसका जो आउटपुट है, दोबारा देखते हैं इसके आउटपुट को। एक बार फिर से रन कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो आउटपुट है वो आया कैसे, 10, 20, 30, पर 30 तक आ रहा था, अब 40 और 50 भी आ गया। 40, 50 इसलिए आ गया क्योंकि हमने इसका साइज बड़ा कर दिया, 3 की जगह हमने 5 कर दिया यहाँ पर, और उसमें हमने नंबर स्टोर कर दिए 40, 50। तो ये नंबर मैंने 40, 50 डाले हैं, आप कोई और नंबर भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, तो ये पूरा प्रोग्राम है। अब थोड़ा सा और चेंजेस हम कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया और हम यहाँ पे फोर लूप का प्रयोग करने वाले हैं। इसी प्रोग्राम को फोर लूप से कैसे बनाएंगे, अगर आपको फोर लूप नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो देखिए,
उससे मैंने फोर लूप के बारे में अच्छे से समझाया हुआ कि फोर लूप कैसे काम करता है, लूप होता क्या है। तो यहाँ पे अभी समझ लेते हैं, एक वेरिएबल मैंने बनाया आई, उसमें जीरो लिख दिया, कंडीशन दे दी मैंने लेस देन 5 और आई के अंदर इंक्रीमेंट। ठीक है, फोर लूप क्या काम करता है, किसी भी काम को बार बार आपको करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं फोर लूप का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फोर लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी, एक बार पेंटाइप लिखा और जीरो की जगह मैंने आई कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, फोर लूप का प्रयोग किया है। अब इसको सेव करके हम रन कर लेते हैं। ये देखिए रन किया मैंने, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो वो सारे नंबर पहले की तरह प्रिंट हो रहे हैं, यानी आपको इतनी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फोर लूप से इसको प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फोर लूप को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि फोर लूप एक्चुअली होता कैसे, किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने फोर लूप लिखा और आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने, ये देखो आई बना रखा है और आई के अंदर आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो आई की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि आई की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने लूप के अंदर यहाँ पे लाइन लिखी है स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, प्रिंट एफ क्या काम करेगा, आई पोजीशन का डेटा प्रिंट करेगा। तो आई में क्या है, सबसे पहले जीरो है, तो जीरो पोजीशन का डेटा यानी 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कर्सर जाएगा यहाँ पर, इससे आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट। इसके बाद कंडीशन आएगा, कंडीशन वही आएगा, अभी कंडीशन में आई जीरो है और जीरो के होते हैं, तो सीधा जीरो होगा, आई बन जाएगी, टू हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, यानी इससे क्या होगा, आई की वैल्यू हमारा चेंज जाएगी, पहले पास आई जीरो, तो जीरो पोजीशन डेटा बनती जाएगा, फिर आई की वैल्यू जाएगी, वन पोजीशन डेटा बनती जाएगी, फिर आई की वैल्यू जाएगी, टू हो जाएगी, तो टू हो जाएगी, आई का काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, सोशल जीरो होगी, उस प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है। समझ को नहीं आते हैं, अपने जैसे सी टोटल हम डायनेमिक डायनेमिक से आएगा, डायनेमिक वहां से है और आप लोग सामने कुछ नहीं मान रहे, ये हमने आईडी है और हमने किया कैरियर में यहां पे थे सी आर सी, ये इसको करेगा अपडेट ये यूजर फिसियल है नहीं का एंड लाइन एंड मशीन पर से सीएम जाएगा और सीएम का यूजर स्कैन क्या कर सको प्रोग्राम वहां पे आपको पूछेंगे बैच हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे वो दो घंटे चलेगा और ये कॉपी करके तो पेस्ट किया तो कॉपी में पेस्ट का या आप आईडी से या कुछ से ये मैं पास को चल गया आप पोजीशन को जहां जीरो मान लिया पहले यहां से करा और आई पोजीशन में डिलीवरी कर दी फाइव नंबर के लिए एक ऐसे समय नंबर छोड़ सकते हैं जिसमें फाइव नंबर ठीक है जैसे आप एक बार सेकंड नंबर देखता होता है तो इसने रन करके पता ही पता होता है कि सो गई एंड नंबर हो गया नंबर आते और मैटर का सारे में एंड है देखिए सारे में एंड हो गए अब करना होता है तो ये हम एंड यूज करेंगे बेटा बताओ आप सिंगल हमें आप अंडर स्टैंड करने के बारे में बड़ी चंदी पसंद है इसमें अब पोजीशन में स्पीड अटैक करना है जो ये हमने लिया वोट पर नाम दे दिया टू करना है टू ला 3 देना 3